हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं इंदौर से धार तक जो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसमें जो पीथमपुर के आसपास कार्य प्रगति चल रही है उसकी बिल्कुल लेटेस्ट कवरेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर पीथमपुर का स्टेशन प्रस्तावित है, यहाँ पर पीथमपुर का स्टेशन बनेगा। ये जो लोकेशन है, ये जो टनल है, टनल को क्रॉस करके हम जैसे ही आते हैं तो यहीं पर पीथमपुर के स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। अभी यहाँ पर सिर्फ दो ट्रैक आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो टोटल ट्रैक होने वाले हैं वो तीन ट्रैक होने वाले हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे डाले जाएंगे। आपको सीधे दिख रहा होगा, सीधे जो है वो टनल है, वहाँ पर भी निर्माण कार्य हो रहा है। दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें टीही से लेके धार तक अभी सिविल वर्क कहीं भी और कहीं पर भी कुछ भी देखने को नहीं मिले हैं। अभी यहाँ पर जो छोटे मोटे अर्थवर्क का कार्य है, ट्रैक बिछाने का कार्य है, गिट्टी बलास बिछाने का कार्य है, वही देखने को मिला है। दोस्तों, इंदौर दाहोद जो रेल प्रोजेक्ट है इसमें इंदौर से धार तक का जो कार्य चल रहा है उसमें इंदौर से टीही तक पूरा कार्य है, कंप्लीट है। वहाँ पर ट्रैक डला हुआ है, रेलवे द्वारा ट्रेनों का संचालन भी हो रहा है। टीही से पीथमपुर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है, वहाँ पर केवल सिविल वर्क किए जा रहे हैं। और ये जो टनल दिख रही है आपको दोस्तों, ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी टनल है। पीथमपुर सिटी को पूरा ये टनल अंदर से क्रॉस करेगी 3 किलोमीटर के लगभग। और अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छी गति से कार्य चल रहा है। पहले ये टनल का जो बजट था वो लगभग 30-40 करोड़ के लगभग था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी लागत जो है वो लगभग बढ़ के 300 से 400 करोड़ के लगभग हो गई है। दोस्तों, इंदौर से धार तक के पूरे प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 2024 तक दी गई है। कार्य आपके सामने है, नवंबर का महीना चल रहा है। अब आप ही देख के बताइए कि नवंबर 2023 में ये हालत है तो 2024 तक क्या ट्रेन चलना यहाँ पर संभव है। दोस्तों, इंदौर धार प्रोजेक्ट के तहत जो इसके बीच में पड़ने वाले स्टेशन हैं, पीथमपुर, सागौर और गुणावत, इनके टेंडर ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं पिछली फरवरी को। तो इनमें थोड़ा बहुत जो भी काम की हलचल है, किंतु जो धार स्टेशन है उसका टेंडर अभी तक निकला नहीं है। तो धार स्टेशन पर बिल्कुल भी स्टेशन निर्माण या फिर सिविल वर्क की कुछ भी हलचल नहीं है। जो भी हलचल आपको देखने को मिलेगी वो इन तीनों स्टेशन पर, पीथमपुर, गुणावत और सागौर पर ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, इंदौर दाहोद जो रेल प्रोजेक्ट है इसका शिलान्यास सन 2008 में किया गया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। लेकिन उसके बाद से अभी 15 साल के लगभग गुजर गए हैं। अभी इंदौर से धार तक की रेल लाइन की अति पते नहीं है। खैर, अभी फिलहाल पिछले 6-7-8 महीने, 1 साल में यहाँ पर कुछ कार्य में गति आई है इस पूरे प्रोजेक्ट में, नहीं तो ये पहले बिल्कुल ठंडे बस्ते में ये कार्य चला गया था। अभी अच्छा खासा इसको बजट भी अलॉट हुआ था पिछले साल, तो उस कारण जो भी आपको कार्य प्रगति है वो देखने को मिल रही है। ये जो टनल है इसकी भी खुदाई चालू है, पूरी 3 किलोमीटर लंबी टनल है। इसकी खुदाई आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। जो मेन फोकस है अभी रेलवे का उस टनल पे ही है, क्योंकि यही मेन बाधा है। इसके बाद तो जो भी सिविल वर्क और पटरी बिछाने का काम है वो रेलवे द्वारा कर ही लिया जाएगा। सो यह थी आज की कवरेज दोस्तों, इंदौर धार दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं धार पीथमपुर के साथियों के साथ शेयर करिए।